लोकसभा से पास हुआ बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी बिल अगले हफ्ते राज्यसभा में होगा पेश। 244 संशोधनों के साथ ध्वनि मत से पास हुआ बिल डिफॉल्टर्स पर कसेगा शिकंजा। डिफॉल्टिंग और नॉन परफॉर्मिंग अधिकारियों के खिलाफ सरकार का सख्त एक्शन। रुपए के 7 अधिकारियों समेत 33 रेवेन्यू ऑफिसर्स को समय से पहले रिटायरमेंट, ट्वीट कर वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। रणवैक्सी लेबोरेटरीज के पूर्व प्रमोटर्स पर 2600 करोड़ का जुर्माना। डेलची सैनकियों के साथ तथ्य छुपाने पर सिंगापुर की आर्बिट्रेशन कोर्ट का फैसला। कंपनी ने कहा मामले पर तलाश रहे हैं कानूनी विकल्प। रेल टिकट बुकिंग की वेबसाइट IRCTC के हैक होने की खबरें। करीब 1 करोड़ ग्राहकों के पर्सनल डेटा चोरी होने की आशंका। IRCTC ने किया हैकिंग का खंडन, लेकिन रेल मंत्रालय ने बनाई हाई लेवल जांच कमेटी। दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मॉल की 2 दुकानों से राहुल गांधी ने 5 साल में कमाया 250% से ज्यादा मुनाफा। MRMGF से 2005 में खरीदी थी दुकानें। MRMGF में डायरेक्टर था अगस्तम मामले में बिचौलिया हैश के। अगस्ता डील मामले में सरकार की बड़ी तैयारी। 8 देशों को भेजेगी लेटर रोगेट्री। सौदे से जुड़ी जानकारी जुटाने की होगी कोशिश। चेक बाउंस मामले में विजय माल्या पर 9 मई को आएगा फैसला। हैदराबाद कोर्ट में 50-50 लाख के चेक बाउंस का चल रहा है मामला। GMR की याचिका पर 2 साल की अधिकतम सजा संभव। बाजार में 3 दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स 160 और निफ्टी 29 अंक चढ़कर बंद। रियल्टी, शुगर, फार्मा शेयर्स में खरीदारी। टेलीकॉम शेयर्स में बिकवाली। हीरो मोटोकॉर्प का मुनाफा उम्मीद से कम। Q4 मुनाफा 470 करोड़ से बढ़कर 810 करोड़। आय 6790 से बढ़कर 7510 करोड़। दिल्ली NCR में डीजल टैक्सियों पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र। BPO के कामकाज पर असर का दिया हवाला। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई।